मैं शो किया करता था जिसमें शाहरुख खान साहब की नकल किया करता था मैं उसके अंदर उनका शो आता था कि आप पाँचवीं पास से तेज़ हैं और हमने बनाया था कि आप पाँचवीं फेल चंपू हैं तो उसके अंदर मैं उनकी नकल करता था और वो शो स्पूफ शो था एक तो उस शो को करने के बाद मेरी थोड़ी सी लोग मुझे जानने लग गए और मुझे जितना मैं वॉइस ओवर टाइम में कमाता था उससे ज़्यादा पैसे मिलने लगे तो मैंने गाड़ी ले ली तो फिर मैंने कहा था उनको कि हाँ गाड़ी ले ली मैंने आपकी नकल करके तो उन्होंने भी मेरे ख्याल से मजाक में कहा था कि उसी गाड़ी में लगा दूंगा बिकॉज उनको भी पता है कि जब आप किसी से प्रभावित होते हैं तभी आप नकल करते हैं वरना आपका नकल करने का अच्छी नकल करने का मन नहीं करता चलिए आपसे सब प्यार करते हैं तो आज बहुत इंटरक्टिव सेशन रखेंगे ताकि सबको मौका मिले थोड़ी बात करने का सुनील के साथ सुनील पहले तो एक एक झलक देखना चाहेंगे शाहरुख खान सुनील ग्रोवर के अंदाज में कौन से वाले से आप दिखाना चाहें शाहरुख खान सुबह जब उठते हैं ऐसे <laughs> नहीं उठते वो हाँ मेरी मां कहा करती थी मेरी चाची नहीं मेरी मामी नहीं मेरी रोहतक वाली बुआ भी नहीं मां कहा करती थी <laughs> बेटा इस दुनिया में दो तरह के मोबाइल होते हैं दो तरह के फोन होते हैं एक मोबाइल फोन एक लैंडलाइन फर्क एक होता है मोबाइल फोन के बटन अंगूठे से दबते हैं लैंड लाइन के उंगली से थैंक यू अमिताभ बच्चन अरे एक, एक करके करना पड़ेगा अमिताभ बच्चन, बच्चन। सच बहुत, बहुत बहुत स्वागत है आपका आइए आप मिलकर खेलते हैं एजेंडा आज तक बहुत बहुत स्वागत आपका। है आपका ऐसा है

लेकिन जिस दिन मेरा मूड खराब होता है उस दिन मैं पी भी लेता हूं रोज शाम को मेरा मूड खराब हो ही जाता है एक दिन मैं यहां होटल रिसेप्शन पे गया मैंने कहा 102 नंबर कमरे की चाबी दे दो कहते 102 में तो कोई ठहरा हुआ है मैंने कहा मैं ही ठहरा था शराब पी की खिड़की से नीचे गिर गया था दारा से अरे दारा जी हाँ हाँ भाई ऐसी बात वही है मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं प्रभु राम का बहुत बड़ा भगत हूं ये बात आपको माननी पड़ेगी बहुत सी आपकी राम की है अच्छा एक आपका जो बड़ा यूनिक मैंने देखा उदित नारायण उदित जी क्या गाना गाया है मैंने वाह अच्छा आमिर खान Uh, अच्छा uh, अजय देवगन इधर ग्रेविटी उनके इधर तरफ ज्यादा पड़ता है सर पड़ता है उनके ना